तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आदर्श नगर इलाके में एक 8 वर्षीय बच्चे की हत्या की गई। एक युवक ने चाकू से गोदकर बच्चे की हत्या कर दी, जहां आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। आरोपी ने मनोचिकित्सालय से निकलकर ही बच्चे की हत्या कर दी, और यही वो घर है जहां बच्चे की हत्या की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नानी के पास 2 साल से आदित्य नाम का एक बच्चा रह रहा था। बच्चे की मां नगर निगम में कार्यरत है। हत्यारा रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। अब इस हत्यारे से जुड़ी जानकारी भी सामने आ चुकी है, और यही वो घर है जहां पर 8 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति ने यह हत्या की वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। चिकित्सक मनोचिकित्सालय से निकलकर ही वो बाहर आया था और अचानक वो इस घर में दाखिल हुआ, बच्चे को चाकू से गोद दिया। इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, बच्चे ने दम तोड़ दिया था। फिलहाल इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जिस बच्चे की हत्या की गई उसका नाम आदित्य है, 8 वर्ष उसकी उम्र है। नानी के पास पिछले 2 सालों से वे रह रहा था, और बच्चे की मां नगर निगम में कार्यरत है, ये जानकारी मिली। जबकि हत्यारा हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। अपने दिमाग का इलाज करा रहा था, मनोचिकित्सालय से ही निकलकर वो बाहर आया था, और अचानक वो दौड़ा और इस घर में दाखिल हुआ। हाथ में चाकू था, बच्चे पर कई वार किए। इस दर्दनाक घटना में जहां बच्चे की मौत हो चुकी है, जयपुर के आदर्श नगर इलाके का ये मामला है। फिलहाल इस आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। 8 वर्षीय आदित्य की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने चाकू से कूदकर हत्या कर दी। परिवार के लोग सदमे में हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वे हालात समझ ही नहीं पाए, और जब उन्होंने अपने बच्चे के शरीर से खून बहते देखा, तुरंत इस व्यक्ति को पकड़ा, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पूरे इलाके में लोग सस्ते में हैं, और अनु एक बहुत बड़ी बात है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त जो इलाज के लिए मनोचिकित्सालय गया था, उसके साथ कोई क्या वाकई में था नहीं, वो अकेला था, और कैसे उसको ऐसे छोड़ दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मनोचिकित्सक से भी फिलहाल बातचीत की जा रही है कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति थी, क्या परेशानी इसे थी। इन तमाम चीजों पर जांच अभी जारी है, लेकिन परिवार के लोग जिस सदमे से, जिस दुख से गुजर रहे हैं, से जानना बेहद मुश्किल है। और सत्यनारायण हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी देंगे। सत्यनारायण, क्या अपडेट है अब इस मामले में? देखिए, बच्चा 2 साल से अपने नानी के यहाँ पर रह रहा था, और जिस व्यक्ति ने इसकी हत्या करी है वो रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार कत्य उसने क्यों किया, इसका अभी तक उसने संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दे पाया है। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी और FSL की टीम है वो मौके पर आई हुई, और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि जो जो साक्ष्य मिलते हैं आरोपी के खिलाफ, क्या कुछ हो सकता है, कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। और जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कारण क्या रहा है, इसका कारण कोई भी अधिकारी बताने में सक्षम नहीं है। से जिस मनोचिकित्सालय में वो इलाज के लिए व्यक्ति पहुंचा था, क्या वहां पर बात हो पाई है, क्या स्थिति थी इस व्यक्ति की? देखिए, अभी तक बताया यही गया है कि जो हत्यारा है वो मानसिक विक्षिप्त है, और वो चाकू भी, जिस चाकू से सब्जियां काटी जाती है रसोई के अंदर, उस चाकू से इस वारदात को अंजाम दिया है, वो चाकू ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये शख्स जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, तो क्या उसके साथ कोई था या वो अकेला था? देखिए, उसके साथ कोई भी नहीं होना बताया जा रहा है, हालांकि उसको गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गई है। फिलहाल जो परिजन है उनको संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, और जो पुलिस के अधिकारी हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है सत्यनारायण, कि अगर कोई मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और इलाज के लिए जा रहा, तो उसे अकेले कैसे छोड़ दिया गया? अधिकारी मौजूद है यहाँ पर, तो पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया पर FSL के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो साक्ष्य हैं वो जुटा रहे हैं। बताया गया कि हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है, क्या इलाज के लिए जयपुर आया हुआ था, क्या यही इलाके के आसपास रहा करता था, क्या और इससे जुड़ी जानकारी? बिल्कुल, मूलतः ये हरियाणा का बताया जा रहा है कि हत्यारा रहने वाला है, और जयपुर के अंदर यहाँ पर कहाँ पर रह रहा था इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। हालांकि जो आसपास ऊपर लोग रहते हैं, स्थानीय निवासी रहते हैं, उनका कहना है कि ये कुछ दिनों से यहीं रह रहा था, और बच्चे पर नजर थी। एक दो बार पहले भी इसने बच्चे को उठाने का प्रयास किया था, उसके अपहरण का प्रयास किया था, इसमें सफल नहीं हो पाया। ऐसे में आज उसने इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस जल्दी इस मामले पूरा खुलासा करेगी, एक बार उसको पूछताछ की जा रही है, और पुलिस के अधिकारी पूछताछ करने में लगे हैं कि पहले से ही बच्चे पर इसकी नजर थी। क्या परिवार के लोगों ने इससे जुड़ा कोई खुलासा किया है?
जिसके परिवार के लोग अभी इसमें बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो जो घटनाक्रम हुआ है उसे काफी वो होश में अभी नहीं है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक दो बार इस घर के पास में इस व्यक्ति को घूमते हुए देखा, तो हो सकता है कि वो कुछ अपराध की नजरों में यहाँ पर आया हो। अब जो आरोपी है उसके परिजनों को भी सूचना दी गई है गिरफ्तारी की, उसको भी यहाँ बुलाया गया है कि जयपुर आकर क्यों आया था, क्या इनका इलाज कराना था या फिर और कुछ कारण से जयपुर आया हुआ था, तो उसकी पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए सत्यनारायण। तो इस खबर ने हर किसी को हिला